लेकिन अगर मैं सफ़र की बात करूँ ना यार, सफ़र इसका बहुत ही आरामदेह है, यकीन मानो बिल्कुल भी थकावट नहीं, बिल्कुल भी। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। आज जो है मैं लाहौर से कराची के लिए जा रहा हूँ। फिलहाल जो है मैं मेट्रो बस के स्टॉप पे खड़ा हूँ, बस का वेट कर रहा हूँ। इस साइड से बस में आना है और फिर जो है ना मैं जाना है कलमा चौक, तो कलमा चौक चल के फिर मिलते हैं आपसे। जी हाँ, फिलहाल जो है ना मैं कलमा चौक जो डाइवो का स्टॉप है वहाँ पे बैठा हुआ हूँ। ये एक भाई हैं, तनवीर नाम है भाई का, सब्सक्राइबर है माशाल्लाह से, कह रहे थे मुझे मिलो जाने से पहले, तो मैंने कहा भाई बस स्टॉप पे आ जाओ, आज टाइम मेरे पास भी नहीं है, मैं जा रहा हूँ कराची के लिए। क्या हाल है तुम्हें भी? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ये अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। तो कैसा लगा मिलकर फिर? अच्छा लगा है, इंशाल्लाह मैंने बहुत जल्द आना है इस्तांबुल, तो वहाँ भी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़रूर आए, आपसे मुलाकात होगी। आज बस थोड़ा सा टाइम है, गया शॉर्ट शॉर्ट टाइम है और बहुत हम जल्दी जल्दी मिल रहे हैं। ओ ठीक है दोस्तों, फिर इंशाल्लाह मैं आपसे मिलता हूँ ठोकर नियाज बेग पे ना, डाइवो के डे। फाइनली मैं जो है इस लाहौर से कराची स्लीपर बस में निकल चुका हूँ, ठोकर नियाज बेग से भी मैं निकला हूँ। इससे पहले जो है मैं घर से निकला था, मेट्रो बस में बैठा, कलमा चौक आया, कलमा चौक से फिर जो है इनकी शटल बस थी और शटल बस ने जो है ना 10 से 15 मिनट में ठोकर नियाज बेग पर पहुँचा दिया और 10-15 मिनट पहले ही मैं इधर आ गया हुआ। थोड़ा वेट किया, बस अपने पूरे टाइम पर चली है 11 बजे। ठीक है, अभी कुछ टाइम हो गया, मोटरवे पे हैं फिलहाल, 10-15 मिनट हो गए हैं बस को चलते हुए, तो आगे इंशाल्लाह जो जो भी जर्नी गुजरेगी और जो जो भी स्टॉप करेगी वो भी आपको डिटेल से बताऊंगा। एक चीज़ जो मैंने नोट की थी ना अपनी लास्ट वीडियो में, वो मैंने आपको बताई नहीं, वो थी किराए के हवाले से। उसमें जो है ना मैंने बोला था 5500, तो 5500 जो किराया है ना वो ये डबल बेड का है। ठीक है, जो 6500 है ना वो ये सिंगल बेड वाले का है, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं और कुछ कमेंट करके कह रहे थे कि भाई बस वापस लाहौर भी जाती है, कराची से भी चलती है, तो जाहिर बात है अगर एक बस जा रही है तो वो वापस भी आएगी। ठीक है, सेम रूट से, तो किराया वही है सेम ही। ठीक है, बाकी की जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे और बस में जो है ना ये भाई मिले हैं मुझे, इनसे थोड़ी गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? नवीद आलम जी। नवीद आलम भाई, वैसे आप क्या करते हैं? मैं IT प्रोफेशनल हूँ। चले, अपनी फील्ड के बंदे ही, अपना भी IT से ही ताल्लुक है वैसे, तो अच्छा लगा आपसे मिलकर भी। मुझे भी मिल गया। देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस आपकी वीडियोस वगैरह देखी थी मैंने। अच्छा, और मुझे खुशी है कि मैं आपके साथ सफ़र कर रहा हूँ, बात की बड़ी खुशी है मुझे। मुझे भी बाकी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, तो बाकी इंशाल्लाह दोस्तों आपके साथ पूरी जर्नी शेयर करते हैं आज ट्रैवल की भी। दोस्तों फिलहाल जो है मैं सखर बस टर्मिनल से निकलो यहाँ पे, ठीक है, और तीसरा स्टॉप है सखर का। इससे पहले दो स्टॉप हुए हैं, खानीवाल का था और दूसरे का नाम इकबालाबाद। अभी जो है ये सखर टर्मिनल से निकले हैं हम, तो जैसा मैंने सोचा था नाश्ता या खाने में देंगे कुछ मज़े का, लेकिन वैसा इन्होंने कोई ख़ास दिया नहीं, ये मील बॉक्स दिया इनका फ्री का। ठीक है, इसके अंदर एक सैंडविच ही है, क्योंकि यार मैं समझता हूँ कि सैंडविच मेरा निकाल के यार ये मेरा पेट भरने वाला है। ठीक है, ये देख लो आप, ये एक सैंडविच दिया है इन्होंने। अगर हम कंपेयर करें, जैसे मैं लास्ट टाइम कराची से लौट गया था फैसल मूवर से, उन्होंने नाश्ते में मैं कहता हूँ बड़ा ज़बरदस्त चीज़ें दी थी। इसके अलावा यार मैंने एक और चीज़ नोट की है वाईफाई के हवाले से, वाईफाई इनका जो है ना यार वो लिमिटेड है,
500 MB शायद, क्योंकि रात को मैंने जब कनेक्ट किया था उसके बाद बंद हो गया था, फिर दे रहा था टाइम के इतने घंटों बाद आप दोबारा कनेक्ट करोगे तो 500 MB चलेगा। तो इन चीज़ों को भी देखना चाहिए डाइवर वालों को, मतलब वाईफाई अनलिमिटेड होना चाहिए। जैसे मैं फैसल मूवर से लास्ट टाइम आया था उसका अनलिमिटेड था, जितना मर्जी यूज़ करो कोई ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन इनका शायद लिमिटेड है। तो ये चीज़ों को भी डाइवर वालों को ज़रूर देखना चाहिए। जी दोस्तों, फिलहाल आप देख सकते हो यार मैं लेटा हूँ और अभी हम जो है ना हैदराबाद से निकले हैं। बस एक ही चीज़ है इनकी जो मुझे अच्छी नहीं लगी, वो मैं दोबारा मेंशन करना चाहूँगा, वो था ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट जो है ना, कह लो मैंने कहा यार बैठ ही जाऊँगा, सारी रात से जो है ना मैं सारी रात जो है ना मैं लेट के गुजारी है, मैं कहा बैठ के गपशप करते हैं थोड़ी सी। तो ब्रेकफास्ट नाश्ता जो है ना यार, उससे मैं मुतमिन नहीं हुआ। नाश्ता जो है ना बस ऐसे ही कह लो मजाक सा ही हुआ है, जैसे क्या कह सकते हैं, ताकि ड्राइवर वालों को देखना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि यार नाश्ता कोई अच्छा रखें। फ्री मील ऐसे कहा था, बस में ऐलान किया था कि फ्री मील रेडी है, मैं जब गया तो उधर देख के मैं हैरान परेशान है, मैं कहीं क्या है यार, खैर जो होना था वो हो गया। लेकिन अगर मैं सफ़र की बात करूँ ना यार, सफ़र इसका बहुत ही आरामदेह है, यकीन मानो बिल्कुल भी थकावट नहीं, बिल्कुल भी। अभी आप ये देख लो मैं लेटा भी रहा हूँ इधर पर, फ़िलहाल इस टाइम बैठा हुआ फुल रिलैक्स होकर बैठा हुआ, ठीक है। पूरी रात मेरी तो सो के गुजरी, सीधी बात है, ठीक है। वाशरूम वगैरह के लिए मैं गया हूँ, जो भी स्टाफ पे रुकी है वहाँ पे वाशरूम के लिए गया हूँ। पिछला जो एक स्टाफ था वहाँ मैं उतर ही नहीं सका क्योंकि सोया हुआ था। इतना मज़े का सफ़र गुजरा है यकीन मानो। और अभी फ़िलहाल ये कह रहे हाईवे पे हैं, ठीक है। अब मेरे कराची तक तो मोटरवे है नहीं, अगर कराची तक मोटरवे होती तो मज़ीद सफ़र का मज़ा आता है यकीन मानो। लेकिन फिर भी हाईवे पे भी बिल्कुल मुझे नहीं महसूस हुआ कि यार रोड ख़राब हो, बड़ा मज़ा आया सफ़र करने का यकीन मानो। बस में, इस बस में सफ़र का तो मज़ा है, सिवाय एक ब्रेकफास्ट को निकाल के, बाकी इधर का मुझे ओवरऑल सर्विस इनकी अच्छी लगी है, ठीक है। क्योंकि हर स्टॉप पे जो रोकते हैं वहाँ पे 10-15 मिनट टाइम देते हैं, आप इजीली वाशरूम वगैरह कर सकते हो। वाशरूम की टेंशन होती है सफ़र में, इसके अलावा और कोई टेंशन नहीं होती। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।